तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक वीडियो और एक जानकारी लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार आयोग की ओर से जो कि आज कल का आपका नोटिफिकेशन है, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों। तो देखिए आपका जो कि फॉरेस्ट गार्ड में क्या आया, तो देखिए पहले इसको देखते हैं। तो वन आरक्षी परीक्षा 2022 जो कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वन परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञप्ति संख्या आपका 15 जनवरी को आपके लिए जो कि इसका रिजल्ट और शारीरिक दक्षता के लिए आपका जो कि ये आया था। तो देखिए आप देखिए इसमें क्या हुआ था, शारीरिक दक्षता परीक्षा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी इन्होंने एक सूची अनुपूरक सूची जो वेटिंग जारी की थी। बाकी आपका देहरादून 10 मार्च 2024 से दिनांक 11 मार्च 2000 तक यह आयोजित की गई। उक्त परीक्षा में उत्तराखंड जो कि आपका अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 23 अप्रैल 2024 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया संपन्न हुआ। लेकिन उक्त के अभिलेख सत्यापन में उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा या विकलांग रूप से आश्रित भूतपूर्व सैनिक या अधिनियम 2016 मार्च 2000 के अनुसार अभ्यर्थी पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उक्त के अधीक्षकों विज्ञापन कि आपकी अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2022 तक सेना में सेवानिवृत्त नहीं होने के कारण पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है, तो जिसका अनुक्रमण तो ये है। बाकी एक दूसरा नोटिफिकेशन भी है, तो देखिए। तो बाकी दोस्तों ये आपका जो कि ऐसे कुल 5 अभ्यर्थी 23 अप्रैल 2024 को संपन्न अभिलेख कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, उनको जो कि इस फॉरेस्ट गार्ड से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो देखिए इतने लोग डिस्क्वालीफाई किए हैं। तो दोस्तों आपके मन में यही सवाल होगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो दोस्तों आज शाम को भी आपका रिजल्ट आ सकता है। आज शाम से लेकर इसी हफ्ते आप शुक्रवार तक आपका या शनिवार तक, शुक्रवार या शनिवार तक आज शाम को भी आ सकता है या कल शाम को भी आ सकता है, शनिवार तक या अगले सोमवार तक आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट और वेटिंग भी साथ में आ सकती है। वेटिंग पे भी अभी काम चल रहा है, लेकिन वेटिंग भी दे सकते हो साथ में रिजल्ट के साथ, जैसे बंदी रक्षक में वेटिंग दी थी, आपका वेटिंग भी आएगी और रिजल्ट भी आने वाला है। तो ये थी आपकी जो कि फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी। अब बताते हैं आपको SI फिजिकल के बारे में, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, वर्दीधारी पदों के लिए समान होंगे जो कि शारीरिक मापक। तो देखिए SI फिजिकल पे आपका क्या हो रखा है, तो क्या होता है इस पर, तो 10 अंक में विभिन्न बदलाव जो कि कार्मिक विभाग ने मुद्दा उठाए जिसके बदलाव का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों की शारीरिक परीक्षा के लिए मानक एक समान करने के लिए आज जो कि विशेष गृह सचिव रिदिम अग्रवाल जी की अध्यक्षता में 7 सदस्य कमेटी की जो कि गठित की गई है। अपर सचिव ललित मोहन की ओर से जारी आदेश में कमेटी को 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने की को कहा है। इससे पूर्व जो कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों के लिए, तो सुनिए ध्यान से सुनिए SI वाले, सभी विभागों के लिए शारीरिक परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो सुनिए ये यहाँ की लिखित परीक्षा के बाद आयोजित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक अंतिम चयन सूची में जोड़े जाते हैं, तो इस स्थिति में शारीरिक परीक्षा का वेटेज अधिकतम शारीरिक वेटेज जो कि अधिकतम आपका 25% ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों SI फिजिकल आपका पहले होगा, जो SI फिजिकल आपका पहले नहीं होगा आप। तो दोस्तों देखिए दोस्तों आयोजित बैठक में सभी विभागों में शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा के बाद आयोजित किए जाने का निर्णय ले चुका है। साथ ही यह तय किया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक अंतिम में नहीं जुड़े जाएंगे। तो दोस्तों आपका बात की जाए तो आपका पहले SI में पहले रिटर्न एग्जाम होगा, पुलिस कॉन्स्टेबल में भी रिटर्न एग्जाम हो सकता है, इसलिए आप पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि ये देखिए शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा के बाद आयोजित होगी। तो यहाँ पे साफ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा के बाद आयोजित होगी, लिखित परीक्षा के बाद आयोजित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। तो दोस्तों आपका पुलिस में हो या SI में आपका जो कि संवाद जारी करेगा आयोग, तो क्या तिथि देता है क्या बताता है, तो दोस्तों पहले आपका इसमें रिटर्न हो सकता है SI में, और आपका
पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि साफ लिख चुका है। बाकी आपके आयोग UKPSC संवाद जारी करेगा, UK SSSC भी पुलिस कांस्टेबल में पहले रिटर्न के लिए संवाद जारी करेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत।